हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल का कॉस्ट ऑडिट में इंस्टीट्यूट ने हाल में अपना एक लेटेस्ट मटेरियल निकाला है, ठीक है। और वो मटेरियल रिवाइज हुआ है अप्रैल 2021 में, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट मटेरियल देयर आर सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर बाई चैप्टर। सो द फर्स्ट चैप्टर वेयर वी आर स्टार्टिंग टू वर्क अपॉन द अमेंडमेंट इज कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ठीक है। सो ये अगर आप एस जे सी मैट ओपन करेंगे, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो ये हमने वॉल्यूम वन में रखा हुआ है। आपको पता है ना, हमने कुछ चैप्टर्स वॉल्यूम टू में डाल दिए, कुछ चैप्टर्स वॉल्यूम वन में रखे हुए हैं। तो ये मैंने अपना वॉल्यूम वन खोला हुआ है एस जे सी मैट का। आपको भी ये मैट खोल लेना है अगर आप हमसे पढ़े हैं तो। अगर आप हमसे नहीं पढ़े हैं तो आपको अपना इंस्टीट्यूट मैट खोल लेना चाहिए, ठीक है। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ टू स्टार्ट मार्किंग द थिंग्स विच आर न्यू एंड मार्क द थिंग्स विच हैव बिन रिमूव्ड, एंड वी विल डू दिस चैप्टर बाई चैप्टर। सो फर्स्ट वी आर डूइंग इन आवर दिस चैप्टर, इन माई एस जे सी मैट इट इज चैप्टर नंबर वन, इन योर न्यू इंस्टीट्यूट मैट दिस विल बी चैप्टर नंबर टू, इन योर न्यू इंस्टीट्यूट मैट दिस विल बी चैप्टर नंबर टू, ठीक है। सो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स में कहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, हम लोग एक एक करके आराम से सीखेंगे। कुछ हड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को कि जल्दी जल्दी बता दो, खाली शॉर्ट में बता दो। आपको पता है सतीश सर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कहीं पर भी सिखाने में। तो वो ऐसे नहीं बोलूँगा बस ये हट के वो आ गया है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। मैं आपको पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड दिखा दूँगा कहाँ पे क्या नया आया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी से हमने अपने क्लास में पढ़ाया था आपको, तो बस अब उसी को अपडेट करा देंगे जहाँ जहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एक मार्किंग किया होता है एडमिन ओवर इट डिलीटेड बाई अमेंडमेंट इन जुलाई 2018, बट अगर आप मेरे मैट में आगे जाके पढ़ेंगे तो एडमिन ओवर इट का सारा लिखा हुआ था। अभी लेटेस्ट मैट जो इंस्टीट्यूट का आया है उसमें एडमिन ओवरहेड का कोई भी डिटेल नहीं है, ठीक है। तो मैं वो सभी आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या नहीं है। फालतू का एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे यार, है ना। ओके, सो मटेरियल कॉस्ट में आ जाता है। पहले आप आ जाइए इसमें, यहाँ तक सब कुछ सेम है, मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब कुछ सेम है। अब हम लोग आ रहे हैं आपका मटेरियल कॉस्ट में। मटेरियल कॉस्ट पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और फिर एम्प्लॉई कॉस्ट में आते हैं, वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है, यूटिलिटीज़ में भी कोई चेंजेस नहीं है। जैसा है वैसा ही है। पहला चेंज है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आ जाओ, या इसमें, यस आ जाओ, ठीक है। आप अपना पुराना इंस्टीट्यूट मैट भी खोल सकते हो अगर आपके पास मैट है तो। नया मैट है तो आप नया मैट भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया मैट खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, नया आ गया है, उसको मार्क करके रखिएगा वो नया आ गया। कैसे भी कर सकते हैं, पुराना मैट, नया मैट, या फिर एस जे सी का मैट। अगर एस जे सी से पढ़े तो एस जे सी का मैट में करिए। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था जिस पर डबल स्टार मारा था। इंटरेस्टिंगली नया मैट में ये पॉइंट को हटा दिया गया। ऐसे लिख दीजिए रिमूव्ड इन न्यू मैट। तो इसके ऊपर जोर मत डालिएगा आप, ठीक है। जो हट गया उस पर जोर नहीं डालेंगे, इतना ही करना आपको। ऐसे कहीं कहीं जो जो ऐड हुआ है वो मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चेंज है फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन में।
इसमें इसको काफ़ी छोटा कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो क्या क्या पॉइंट काट दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट बी काट दिया है, सी काट दिया है, डी काट दिया है, ई काट दिया है, ठीक है। फिर एफ जी एच आई काट दिया, एफ जी एच आई, के काट दिया है, एल काट दिया है, एम काट दिया है, फिर ओ कट गया है, पी कट गया है, क्यू कट गया है, आर कट गया है, एस कट गया है। ध्यान रहे, एन है, जे है, ठीक है, पी क्यू आर एस कट गया है, फिर टी यू वी भी कट गया है, टी भी कट गया है, यू भी कट गया है, वी भी कट गया है। इसको बोलते हैं मौजा ही मौजा, ठीक है। क्यू काट दिया, ये मैं आपके साथ तर्क नहीं कर सकता अभी, बस मैं आपको बताने आऊँगी ये कट गया है। और इसके जगह दो पॉइंट इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, तो ऐड का जो पॉइंट है उसको आप लिख लेंगे। यहाँ पे मेरे पास तो जगह, मैं यहाँ लिख दूंगा, आपको भी यहीं लिख लेना चाहिए अगर आप मेरे मैट में लिख रहे हैं। नहीं तो आप अपना पुराना मैट में, इंस्टीट्यूट मैट खोल रखे हैं तो पुराना मैट में लिख लीजिए, जहाँ से भी आप पढ़ें, ठीक है। सो इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है, दो पॉइंट ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर वन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट इज़ इक्वल टू, मतलब कहाँ से आएगा ये अमाउंट। तो सी आर ए रूल्स का कहना है कि ये अमाउंट शेड्यूल टू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड तो मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म लिख लिया यार, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लेना है। इसमें एक और बात बोल रहा है कि अमाउंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश देके इज अ नॉन कॉस्ट आइटम, इज नॉन कॉस्ट आइटम, मतलब उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वही लेना है। सर इसका इम्पैक्ट कहीं और सम्स वम्स में आएगा? कुछ नहीं, ये बस आपको सी आर ए रूल्स के हिसाब से चलाना है। सम्स वम्स में आप अपने हिसाब से कोई चेंजेस मत करने जाइएगा, जितना बताया गया बस उतना ही। नेक्स्ट बोल रहा है स्पेयर पार्ट्स, दूसरा पॉइंट जो ऐड हुआ है, ठीक है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हेन दे मीट इट्स डेफिनेशन एंड डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंगली। अदरवाइज सच आइटम्स आर इन्वेंट्रीज अदरवाइज सच आइटम्स आर इन्वेंट्रीज, ठीक है। एक डेप्रिसिएशन को लेके बोला, एक स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट को लेके बोला है।
और ये रिपीट होगा आगे जाके, ये वाला डेफिनेशन वापस से आएगा, क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर का, हर पोर्शन का जो जो काटना है वो काट देंगे, और जो रखना है रखा हुआ रहेगा। बस बेसिकली क्या है, जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया उसको ऐसा सोचो कि नॉलेज के लिए पढ़ लिया, अब रिविजन में जो जो मार्क कर रहे हैं वही वही पढ़ना है, मतलब जो जो कट जा रहा है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है? सो बाकी सब यहाँ पर मैच हो रहा है, कुछ भी चेंजेस और नहीं है यहाँ पर। यस, एक 15 नंबर में आ जाइए। अच्छा, 15 के पहले वो एडमिन ओवरहेड का कहानी था ना, फिक्स्ड असेट्स 6 है, उसके बाद उसका मैंने डिटेल वैसे ही नहीं रखा हुआ है। 7 ओवरहेड्स है, 8 नंबर एडमिन ओवरहेड हट गया ना, डिलीट हो गया बोलकर, एडमिन ओवरहेड यहाँ पे था ही नहीं। 15 नंबर में बस खाली इन्होंने चेंज क्या किया है, जब वो नाम पहले इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस था, अब कह रहे हैं कि हम इसको ये नाम नहीं देंगे, हम बोलेंगे इसको फाइनेंसिंग, फाइनेंस कॉस्ट, बस नाम चेंज किया, ओनली नेम चेंज, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी वो जहाँ जहाँ इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज है वो सबको फाइनेंस कॉस्ट बुला रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है? बाकी सारा मैटर सेम है, जस्ट नेम चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इम्प्लाइड था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? नेक्स्ट, यस, तो और इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, इतना ही है। यस, चलिए खुशियाँ, मुबारका, इस चैप्टर में और कुछ भी एड लेस नहीं है। तो सर है किस चैप्टर में मेन, मेन थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही है, ठीक है? और कुछ ऐसे नहीं है। अब आगे थोड़ा सा और, पेज नंबर 50 में आ जाओ मेरा मैट का। या अब इसमें देखो, ये वाला एक्चुअली टिल 36017 था, ये मैंने लिखा हुआ ही था, तो नए मैट में भी इसको हटा ही दिया, तो अब उस पर नज़र भी डालने का दरकार नहीं है। जो फ्रॉम 17 2017 एप्लीकेबल था वही है, ठीक है? यहाँ पर कुछ नया ऐड हो रहा है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने ना 5 क्वेश्चन ऐड किया है, 5 न्यू क्वेश्चंस हैव बीन एडेड, हम लोग अभी उस क्वेश्चंस में चलेंगे, ओके? उसके लिए मैं आपके साथ क्वेश्चन का ना जिस्ट थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हैं,
पहला क्वेश्चन है, भारत कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड्स बता रहा है। टर्नओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट्स अंडर रूल 3 इज 6 crores और टर्नओवर ऑफ टेबल बी प्रोडक्ट्स अंडर रूल 3 इज रुपीज 9 crores एंड टर्नओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इज रुपीज 18 crores। इस तरह का कैलकुलेशन ऑलरेडी आप लोग का किया हुआ है, सिंस क्वेश्चन ऐड हुआ है तो समझना जब बनता है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला वाला में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स है कि नहीं। और दूसरा वाला में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट है कि नहीं। सोच के आंसर बता दीजिए एक बार अपना मन में सोच लीजिए आंसर, फिर हम लोग बात कर लेंगे। बहुत इजी है। कंबाइंड टर्नओवर कितना है? 27 और 6 33 करोड़। सिंस कंबाइंड टर्नओवर इज लेस देन 35 करोड़, 35 crores, तो देयरफॉर व्हाट यू विल से, नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होता तो भी टेबल ए टेबल बी के लिए होता, और सिंस रिकॉर्ड्स ही नहीं बन रहा है तो सिंस नो रिकॉर्ड्स तो ऑडिट का बात ही नहीं आएगा। नो रिकॉर्ड्स है तो नो ऑडिट, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग को ये लिख लिख के करना है। अगर आपका यहाँ बुक में बाई चांस जगह नहीं है और तो आप कॉपी में लिख लेंगे, मैं तो पेज इंसर्ट कर दूंगा, आप कॉपी में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये एबीसी लिमिटेड बोल कर है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स है। टर्नओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट्स अंडर रूल 3 इज 7 crores। टर्नओवर ऑफ टेबल बी प्रोडक्ट्स अंडर रूल 3 इज 8 crores। टर्नओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इज 24 crores। सवाल वही दो है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल बताओ। सोचो, इस बार ओवरऑल टर्नओवर आ रहा है 39 crores। सो सिंस इट इज ग्रेटर देन 35 crores, ग्रेटर देन और इक्वल टू होने से भी होता है, तो ग्रेटर देन 35 crores है तो आप क्या बोलोगे, एप्लीकेबल। बट एप्लीकेबल फॉर ऑल 3,
एप्लीकेबल फॉर टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स, ऐसा इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में भी बोला हुआ है। कॉस्ट ऑडिट टेबल ए और बी का मिला के 15 करोड़ है, तो कॉस्ट ऑडिट का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 25 करोड़, है ना? ध्यान नहीं है यदि आपको तो ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, टेबल ए टेबल बी जब दोनों बनता है तो 25 करोड़ का बेंचमार्क लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहला वाला भी मीट नहीं हुआ और दूसरा वाला भी मीट नहीं हुआ, ठीक है? पहला 50 करोड़ का ओवरऑल होना चाहिए, वो भी मीट नहीं हो रहा है, और ये वाला में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का मिलाकर 25 करोड़ होना चाहिए, वो भी मीट नहीं हो रहा है, तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सो क्या बोलोगे आंसर में? आंसर में आप बोलोगे सिंस ओवरऑल टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एंड टेबल ए प्लस टेबल बी इज लेस देन 25 करोड़, है कितना? 15 करोड़ है ना, ओवरऑल कितना है? 39 करोड़ है। 39 करोड़ इज लेस देन 50 करोड़ एंड दिस इज ऑल्सो लेस, सो कंडीशन मीट ही नहीं हुआ, देयरफोर नॉट एप्लीकेबल। रिकॉर्ड बनाओ, ऑडिट कराने का जरूरत नहीं है। थर्ड केस, बीके प्राइवेट लिमिटेड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हम लोग को ये सब डिटेल दे रहे हैं, टर्नओवर ऑफ टेबल ए अंडर रूल 3 इज 11 करोड़, टेबल बी इज 14 करोड़, अदर प्रोडक्ट्स इज 28 करोड़, ठीक है? वही दो सवाल वही है। अब आप सोच के थोड़ा सा आंसर अपने आप पहले माथा में सोच लीजिए, फिर आप मेरे को फॉलो करिए, ऐसे खाली छापने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? टोटल आ रहा है 25 और 28, 53 करोड़। तो सवाल वही है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स लागू है, इसका जवाब है यस। क्यों? सिंस ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़। दूसरा सवाल है, अच्छा कॉस्ट रिकॉर्ड अगर लागू है तो किसके किसके लिए बनेगा? तो देयरफॉर एप्लीकेबल फॉर टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स। फिर बी में आ जाओ, कॉस्ट ऑडिट लागू है, कॉस्ट ऑडिट लागू है, तो इसमें क्या है कि देखो ओवरऑल टर्नओवर का पहले क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 50 से ज़्यादा, तो वो 53 है मेरा, तो देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद फिर हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टेबल ए एंड बी इट इज़
25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 25 करोड़ या इक्वल टू भी होना से होगा, हमारा इक्वल टू है 25 ही है हमारा एक्चुअली, तो 25 करोड़ है। सो देयरफॉर ये मैच हो गया सिंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल लेकिन ओनली फॉर टेबल ए, टेबल बी में लागू होने के लिए। शायद नेक्स्ट केस आ जाएगा, आप देखना उसके हिसाब से आप आंसर बोल देना। इसमें ओनली फॉर टेबल ए लागू होगा क्योंकि 25 करोड़ का क्राइटेरिया टेबल ए के लिए था। ठीक है, थोड़ा माथा खुल रहा है ना, रिवीजन हो जा रहा है इस बहाने, नहीं क्या? ये सब सारा एफएक्यूज में कराया हुआ है, आगे जाके एफएक्यूज जो आता है उसमें ये सब सिनेरियोज कवर्ड है, वेल कवर्ड है। फोर्थ नंबर में आओ, कन्फ्यूजन क्या होता है ना, हम लोग वो जो चार्ट दिया हुआ है ना उसमें पढ़ते हैं कि टेबल ए का 25 करोड़, तो हम लोग यहाँ पे जब 25 करोड़ चेक कर रहे हैं तो टेबल ए प्लस बी का चेक कर रहे हैं, यही खाली यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है जिसको आपको ओवरकम करना था। फोर्थ में आ जाओ, मेसर्स सन एंटरप्राइजेस, मेसर्स सन एंटरप्राइजेस लिमिटेड, हमको डिटेल दे रहे हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। टर्नओवर ऑफ टेबल ए इज 19 करोड़, टेबल बी इज 15 करोर, अदर्स इज 76 करोर। सो वही सवाल तो वही दो है, टोटल आ रहा है तीनों का 110। अब नंबर ए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स लागू है क्या? आंसर इज यस। क्यों? सिंस ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़, सिंस ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़, लागू तो है। दूसरा सवाल आता है, क्या कॉस्ट ऑडिट लागू है? तो इसमें पहला कंडीशन चेक करेंगे कि ओवरऑल टर्नओवर क्या है, वो 110 करोड़ है। ये ग्रेटर देन 100 करोड़ हो गया इस बार, तो ये सेकंड पार्ट में आ गए हम लोग, नॉन रेगुलेटेड वाला में भी आ गए। बट उसके साथ साथ टेबल ए टेबल बी का कंबाइंड टर्नओवर कितना है, 34 करोड़ से, जो 25 से ज़्यादा है बट 35 करोड़ से कम है। तो सेकंड वाला कंडीशन जो था ना वो लागू नहीं हुआ, तो 25 से ज़्यादा है इसलिए कॉस्ट ऑडिट लागू होगा। अगर 35 से भी ज़्यादा हो जाता ना तो दोनों के लिए, टेबल ए भी के लिए कॉस्ट ऑडिट होता। अभी कॉस्ट ऑडिट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर टेबल ए, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हो गया, बट ये 25 से ज़्यादा वाला सेटिस्फाई हुआ, 35 से कम में रह गया, तो एप्लीकेबल फॉर टेबल ए ओनली। ओके, नेक्स्ट पांच नंबर, मेसर्स अल्फा लिमिटेड है। अच्छा क्वेश्चन बनाया ना, मज़ा आ रहा है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का
टर्नओवर ऑफ टेबल ए हम लोग को दे रहा है 20 करोड़, टेबल बी का दे रहा है 22 करोड़, और अदर्स का दे रहा है 63 करोड़। बस यही एक आखिरी केस लग रहा था, बचा हुआ था वही पूछ लिया। 6, 2, 8, 2, 10, 105 करोड़ आ रहा है। तो सवाल कॉस्ट रिकॉर्ड्स का तो बहुत ऑब्वियस है। ना कॉस्ट ऑडिट का आप सोच लो, खाली कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या बोलोगे, सिंस ओवरऑल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 35 करोड़, देयरफॉर एप्लीकेबल, लेकिन एप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर टेबल ए एंड टेबल बी। यहाँ पे भी एप्लीकेबल है तो फॉर टेबल ए एंड टेबल बी। ओके, अदर प्रोडक्ट्स का कुछ नहीं करना होता हम लोग को, सिर्फ टेबल ए टेबल बी प्रोडक्ट्स का करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला कंडीशन है ओवरऑल टर्नओवर जो 105 करोड़ है वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो देयरफॉर सेटिस्फाइड, और टेबल ए प्लस बी का टर्नओवर 42 करोड़ हो गया विच इज़ मोर देन दिस टाइम 35 करोड़। तो इसका मतलब ये जब सेटिस्फाई हो गया ना, तो ये इसका मतलब हो गया कि 35 से ज़्यादा होने का मतलब है कि नाउ कॉस्ट ऑडिट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ टेबल ए एंड टेबल बी, फॉर बोथ टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स। होता क्या, हम लोग है ना जब ये कैलकुलेशन नहीं किए हुए होता है तो हमारे दिमाग में क्या चलता होता है कि खाली टेबल ए का होगा, खाली टेबल ए का होगा ऐसा हम लोग को लगता है। टेबल बी के लिए हम लोग ए प्लस बी नहीं सोच रहे होते हैं, मेरे नज़र में ये ए प्लस बी लेके नहीं सोच रहे होते, इसलिए ये एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट बनता है हर जगह। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ना, तो ये ए प्लस बी हम लोग बहुत बार नहीं ले रहे होते, हम लोग सिर्फ सोचते हुए टेबल ए का होना चाहिए। हर जगह आप देखो टेबल ए प्लस बी को जोड़ा हुआ है। तो इस एग्ज़ाम्पल से यही सीखना था, और ऐसा कि हम लोग का आगे का एफएक्यूज़ में भी कवर्ड है, ठीक है, तो उतना कुछ घबराने का बात नहीं है। प्रैक्टिस हो गया, मैं तो ये मालूम बोलूँगा कि आपने इस बहाने मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया। जी, इसके बाद हम लोग एफएक्यूज़ में आ रहे हैं। ये सारे बहुत सारे एफएक्यूज़ आपको कराए थे, नए इंस्टीट्यूट मैट में कुछ एफएक्यूज़ घटे हैं, ठीक है, तो जो जो घट गया है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। FAQs में जो जो हट गया है उसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। जैसे 2 नंबर अपन को नहीं दिखा तो इम्प्लाइड है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली। फिर 6 नंबर अपन को नहीं दिखा, नहीं दिखा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप काट दो उसको, मैं ये बोलूँगा कि आप उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे दो। 10 नहीं दिखा, 11 नहीं दिखा, 13 नंबर नहीं दिखा, 14 नहीं दिखा। नहीं दिखा मतलब ये नहीं बोलूँगा कि पूरा छोड़ दो। 15 नहीं दिखा, 16 नहीं दिखा, रिवीजन में उतना जोर मत देना। 17 भी नहीं दिखा, हालांकि पहले हो सकता कोई आया हुआ भी हो एग्ज़ाम में। बस जो नहीं दिखा मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि ये सब हट गया है। 21 नहीं दिखा, 22 नहीं दिखा। अब हट गया तो बहुत बार बच्चा लोग सोचता है सिलेबस से हट गया, बट मेरे को नहीं लगता कि सिलेबस से हट गया। 23 नहीं दिखा, 26 नहीं दिखा, 27 भी नहीं दिखा, 30 भी नहीं दिखा। फिर 32 भी नहीं दिखा,
हालांकि इजी है, आप ये मत सोचो कि यार नहीं दिखा तो काट देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, आप बस मार्किंग करके रख लेंगे, ये सब अभी नया मैट में नहीं मिलेगा। 33 नहीं दिखा, 32 नहीं है, 33 नहीं है, फिर 34 भी नहीं है, फिर 35 भी नहीं है, 35 भी नहीं, फिर 38 से 41 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 भी नहीं है, ठीक है। बट वो 41 मुझे लगता है कर लेना चाहिए, मैं इसको रखा हुआ हूँ, काट दिया, क्योंकि आप देखिए ये वही वाला केस है, किसके लिए कॉस्ट ऑडिट लागू होगा नहीं होगा, इसी को लेके इंस्टीट्यूट ने ना थोड़ा मॉडिफाई करके वो 5 केस बना दिया, तो ये वाला FAQ हटा दिया। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि FAQs आप जैसा है पूरा पढ़ के जाओ, हाँ जो जो नहीं है उस पर उतना इम्फेसिस मत देना, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये सब FAQs नहीं है, बट इसके अगेंस्ट में कुछ सारे FAQs ऐड हो गए हैं, तो क्या क्या FAQs ऐड हो गए हैं उस पर काम करना है। हम लोग ने जो FAQs है ना, कुछ आपको Volume 1 में कराए हैं, जो भी FAQs दिए हुए इंस्टीट्यूट मैट में वो ऑलरेडी, कुछ आपको Volume 2 में कराए हैं जिसका जो चैप्टर है उस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जो FAQ ऐड हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेना, अच्छा रहेगा। ये FAQs आप नए इंस्टीट्यूट मैट से रेफ़र कर सकते हैं, मैं बेटर होगा कि वो मैट ही खोल दूँ आपके सामने। ओके, पेज नंबर नया इंस्टीट्यूट मैट का 488 है। ये रहा, सोलह सत्रह नया आया है, तो आप एक बार नोट कर लो कि ये सब नया FAQs है, वो तो पढ़ना ही है। पुराना पे बहुत ज़्यादा काटा हुआ है, मतलब आप उसको इग्नोर कर देंगे तो रिस्क हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। उसमें एक बार जो ओवरव्यू में बोला है, एक बार समझ लेने में दिक्कत नहीं है। डिस्कस वेदर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इन्वॉल्विंग मैनुअल ऑपरेशन विदाउट द यूज़ ऑफ पावर विल बी कवर्ड अंडर CRA रूल्स एज अमेंडेड ऑन 15 अक्टूबर 2019। सो इसका जवाब है येस, कवर्ड है। द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन रूल 2M इंक्लूड्स मैनुअल ऑपरेशन एज वेल। वो मैनुअल ऑपरेशन से खाली डाउट आता है, तो ये बोलना है कि मैनुअल ऑपरेशन भी इंक्लूडेड है। देयर फॉर एनी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एक्टिविटी वेदर बाई यूज ऑफ पावर और नॉट आर इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स। सेकेंड सवाल है, कंपनी विथ मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज इज हैविंग कॉस्ट ऑडिट फॉर सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, व्हाट वुड बी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट ऑन अदर प्रोडक्ट्स नाउ कवर्ड अंडर कंपनीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स 2011। तो एक बार बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑडिट लागू हो गया तो लागू हो गया। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कंसर्न विल रिमेन अनचेंज until cost audit orders are issued for its other products or activities now covered under company's cost accounting record rules 2011. The company would now be required to maintain cost records for all the products irrespective of whether these are covered under cost audit or not. ठीक है, cost record सबका होगा और cost audit तभी होगा जब उस particular नया प्रोडक्ट के लिए कोई ऑर्डर रिलीज करेगा, गवर्नमेंट रिलीज़ करेगा तब देखा जाएगा, बट कॉस्ट रिकॉर्ड सबको सबका बनाना पड़ेगा। याद रहेगा इसका आंसर, कॉस्ट रिकॉर्ड सबका बनेगा और कॉस्ट ऑडिट उसी का करेंगे जो पहले से कर रहे थे, और अगर कोई नया ऑर्डर आएगा तब देखेंगे।
until cost audit orders are issued for its other products now covered under company's rules. ठीक है, क्लियर, ईजी था, समझ में आ गया होगा. अब आप इसको चाहें तो लिख के एक ही जगह ले आइए, जिससे रिवीजन करते समय कुछ क्वेश्चंस को वहां से, कुछ क्वेश्चन को यहां से ना पढ़ना पड़े. ठीक है, कुछ को वहां से, कुछ को यहां से ऐसा ना करना पड़े. इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सब एक जगह ही ले आइए. नेक्स्ट 28 नंबर ऐड हुआ है, नया क्वेश्चन में 28 ऐड हुआ है. इज अ कॉस्ट ऑडिटर रिक्वायर्ड टू गिव एनी सर्टिफिकेट टू हिज इंडिपेंडेंस एंड आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप विद द अपॉइंटिंग कंपनी? बताना तो पड़ेगा कि आपका कोई कंपनी से रिलेशन नहीं है. तो आंसर इज येस. The cost auditor will be required to give a separate certificate to the cost audit committee in respect to his independence and arm's length relationship with the company. मतलब ये बताना पड़ेगा आपको कि मेरा इस कंपनी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है. तो आंसर इज येस. 29 भी नया है. इज देर एनी ऑब्लिगेशन टू द ऑन द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑफेंस ऑफ फ्रॉड being or has been committed in the company by its officers or employees? एक्चुअली हम लोग का पार्ट वॉल्यूम 2 में कवर्ड है, बट फिर भी एक बार आप यहाँ जान लो, एक जगह हो जाएगा सारा FAQs. कि ये नया आया है, हम लोगों का SGC मैट का वॉल्यूम 2 में कवर्ड है. सो क्या ऑब्लिगेशन है? तो इसका जवाब क्या है? सब रूल 7 ऑफ रूल 6 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 स्टेट्स दैट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 एंड रेलिवेंट रूल्स मेड देयर अंडर शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू अ कॉस्ट ऑडिटर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस अंडर सेक्शन 148. एज पर सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 एक्सट्रैक्ट ऑफ विच इज गिवन अबव, it is obligatory on the part of cost auditor to report offense of fraud which is being or has been committed in the company by its officers or employees to the central government as per the prescribed procedure under the rules. As per the provision to above subsection, it has been stated that in case of a fraud involving lesser than the specified amount, auditor shall report the matter to the audit committee constituted under Section 177 to the board or to the board or to the board in the other cases within such time and in such manner as may be prescribed. ठीक है, तो आंसर इज येस. ऑब्लीगेटरी तो है ही, ऑब्लीगेटरी तो है ही, आपको फ्रॉड तो बताना ही पड़ेगा ना, ऑब्लीगेटरी तो है ही. बट एक स्पेसिफाइड अमाउंट से यदि कम है तो फिर आपको नहीं भी बताने से चलेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताओगे तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड को तो बताना पड़ेगा ही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वॉल्यूम 2 से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर है ना फ्रॉड का, उससे रिलेट करके पढ़ोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नया जो है वो है 31, ये न्यू है. Who are the persons responsible for authentication of cost audit report and annexure thereto? तो इसका जवाब क्या है? कोई भी एनेक्शर और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और एनेक्शर को कौन साइन करेगा? The annexure duly audited by the cost auditor shall be signed by the company secretary and at least one director on behalf of the company. अगर company secretary नहीं है तो दो director. अगर secretary नहीं है तो दो director. In absence of company secretary, you should have at least two directors. ध्यान रहेगा.
तो इसका जवाब क्या है, शुड बी अप्रूव्ड बाय जो अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या चीज, दोनों, और साइंड बाय, ऑल्सो साइंड बाय, अप्रूव्ड माने ऑफकोर्स साइन तो करेगा ही, ऑल्सो बाय कंपनी सेक्रेटरी, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब यार बोर्ड रेजोल्यूशन कुछ पास हो जाएगा ऐसा कुछ समझना, कंपनी सेक्रेटरी प्लस एटलीस्ट वन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और तीसरा केस है अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 32। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट? उसका आंसर पहले से पता है आपको, 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर। ये तो पूरा बेसिक क्वेश्चन में से एक था, आंसर इज 180 डेज। 180 डेज है, 6 महीना नहीं है, इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नया है, 33 भी। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंपनी अंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2011? कंपनी का क्या ड्यूटीज है, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर नहीं, ड्यूटीज ऑफ कंपनी, ये भी हम लोग का वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है, बट आप यहाँ पे ही कवर कर ले रहे हैं। सो कंपनी को क्या क्या करना है उसको आप ठीक से समझ लीजिए। एवरी कंपनी एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 शैल विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर फाइल एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग प्रायल अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो पहला जिम्मेदारी क्या है कंपनी का, विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑफ कमेंसमेंट, एंड नहीं है यहाँ पे, 180 डेज फ्रॉम क्लोज था, फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 180 डेज, 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप्रूव करा लो, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ता है। सेकंड, एवरी कंपनी शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड वाइड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सर्कुलर नंबर, ये तो ये थोड़ा सर्कुलर नंबर याद रख लेंगे अगर आपको डिटेल्स पढ़ने का मन कर रहा है तो आप सर्कुलर नंबर से गूगल करके पढ़ सकते हैं। फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, और तीसरा जिम्मेदारी ये भी आता है कि आप सारा कॉस्ट स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी कॉस्ट ऑडिटर मांग रहा है उसको सब अवेल कराएंगे। पता चला कि आया ऑडिट करने, आप कुछ दे ही नहीं रहे। शैल मेक अवेलेबल टू द कॉस्ट ऑडिटर सच कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड अदर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर टू द रिपोर्ट ड्यूली कंप्लीटेड एज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट एंड शैल रेंडर नेसेसरी असिस्टेंस टू द कॉस्ट ऑडिटर सो एज टू enable him to complete the cost audit and submit his report within the time limit, that is within the 180 days, ठीक है, provide records and assist, ऐसा नहीं कि cost auditor आया तो हम तो कुछ बताएंगे नहीं, हम तो कुछ help ही नहीं करेंगे, आप करो, ठीक है। और चौथा जिम्मेदारी क्या है जो ऊपर में भी क्वेश्चन में आ गया था, annexures जो भी बनेंगे वो approve होना चाहिए बिफोर सबमिटिंग, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। है इजी बट क्या है, एक बार पढ़ा हुआ रहे तो आंसर आप लिख पाओगे एग्जाम में आ गया तो।
ठीक है, तो 31, 32, 33 नया आया, और फिर नया आया है 47 से 50। ऐसे तो 45 से 50 नया है, ये भी एक नया है। व्हाट इज़ XBRL? 40 नंबर भी नया है। व्हाट इज़ XBRL? ये हम लोग Volume 2 में पढ़ते हैं। XBRL नाम का अपना सेपरेट चैप्टर है, तो ऐसे तो पता ही आपको XBRL क्या है, बट उसको लिखना कैसे, व्हाट इज़ XBRL, उसके लिए ये क्वेश्चन बनता है। XBRL का फुल फॉर्म पता ही, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन XML, विच इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ ओपन स्टैंडर्ड्स बेस्ड रिपोर्टिंग स्टेट सिस्टम दैट इज़ बिल्ट टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम। इट हैज़ बिन डिफाइंड स्पेसिफिकली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट एनेबल्स यूनिक आइडेंटिफाइंग टैग्स टू बी अप्लाइड टू आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। द टैग्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम सच एज वेदर इट इज़ अ मॉनिटरी आइटम, परसेंटेज और फ्रैक्शन। XBRL not only allows labels in any language to be applied to items, it also allows the accounting references or other subsidiary information to be added to the tags. इसमें टैगिंग कर देने से एक चीज़ ये भी होता है कि वो आप अमेंड नहीं कर सकते एक बार, जैसे गवर्नमेंट के पास ये जब चला जाता है ना, तो नो बडी कैन अमेंड दिस, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था। उसमें टैगिंग कर दिया जाता है ना, तो क्या होता है कि आप क्लिक करके कभी भी कहीं पर भी जा सकते हो, जिसको भी उसको रीड करना है। ये पोटेंशियल यूजेस ऑफ XBRL वगैरह पहले से था, फिर 45 वाला भी एक नया है, ये भी हमारा Volume 2 का क्वेश्चन है। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन XBRL फॉर्मेट एंड व्हाट इज द अथॉरिटी फॉर द सेम? ठीक है, द कंपनीज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 इशूड अंडर सेक्शन 148 हैज़ मैंडेटेड कंडक्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड फाइलिंग ऑफ द सेम फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब बाई द रूल्स। तो एवरी कंपनी मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, आंसर क्या है? एवरी कंपनी जिसका भी कॉस्ट ऑडिट होगा, जिसका भी कॉस्ट ऑडिट होगा तो XBRL में ही फाइल होगा, होगा तो XBRL में ही फाइल होगा। ठीक है, और इसके पहले बोल रहे हैं 1 अप्रैल 14 के पहले वाला कंपनीज को भी XBRL में ही डालना है। नेक्स्ट, जो 2011 रूल्स में कवर्ड थे उनको भी, और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल द सेम इन XBRL मोड ओनली, तो सब कोई को करना है। नेक्स्ट 46 भी नया है, ये भी नया क्वेश्चन है। अ कंपनी डील्स इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड देयर आर मल्टीपल कॉस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड इन द कंपनी, सही है? इज देयर एनी नीड टू फाइल मल्टीपल कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स और ओनली कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन XBRL? XBRL अलाउज यू टू फाइल ओनली वन कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द कंपनी एज अ होल। If a company has multiple cost auditor, then in such case, one of them may be designated or nominated as the lead cost auditor who will certify the cost consolidated cost audit report for the company as a whole. Correct? तो इसका आंसर क्या है? Only one cost audit report is required, is allowed. लीड कॉस्ट ऑडिटर टू सर्टिफाई द कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। देन 47 भी न्यू है, जैसे ये तो Volume 2 का क्वेश्चन था, फिर से मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ जो जो Volume 2 के हिसाब से पढ़ने का है, क्योंकि आप एक फर्स्ट चैप्टर के बाद जब इसको देखोगे आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं है, तो पता इसलिए नहीं क्योंकि Volume 2 का है, ठीक है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ
क्योंकि नया आया है, तो वहाँ पे जब पढ़ोगे तो इसको भी ध्यान देके पढ़ लेना एक बार। ओके नेक्स्ट 47 नंबर। इन अ कंपनी टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड फॉर सेम प्रोडक्ट, हाउ डज अ पर्सन रिपोर्ट डिटेल्स अबाउट सच मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अंडर द रेलिवेंट पार्ट ऑफ कॉज ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसा केस में जब टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा तो दो बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आर टू बी रिपोर्टेड ट्वाइस विथ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑल द रेलिवेंट पार्ट्स एंड सच डिटेल्स शुड नॉट बी एग्रीगेटेड टू इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कॉल्ड। इकट्ठा नहीं कर देना, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कोई चीज़ को केमिकल है, सेम केमिकल को हम लोग किलो लीटर पर भी डाल रखे हैं, और मान लीजिए सेम केमिकल को हम लोग कोई टन के हिसाब से, वजन के हिसाब से भी डाल रखे हैं। नेक्स्ट 48 भी नया है सर। कितना नया है? 50 तक है, 50 तक नया है। अ कंपनी हैज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इज देयर एनी नीड टू फिल द डिटेल्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पैरा। ठीक है, सो इन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिपोर्टेड, यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ मटीरियल्स, फिनिश गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, प्रोसेस मटीरियल, रिजेक्टेड गुड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट फैसिलिटीज नो हाउ, सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज, एडमिन, टेक्निकल, मैनेजरियल और अदर सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, एनी अदर पेमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड रेफरेंस। तो अगर इनमें से कोई से मैच हो रहा है तो रिपोर्ट करना, फाइनेंशियल आइटम्स बोलकर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओनली दीज आइटम्स टू बी रिपोर्टेड, फाइनेंशियल आइटम बोल के हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट 4950 भी नया है। Does a company mandatorily require indicating previous year figures in the relevant columns of the part to annexure to cost audit report even if company's cost record and audit rules 2014 were not applicable to the company in the previous year? क्या question है? बोल रहे पिछले साल अगर हम लोगों का cost audit लागू नहीं था, ठीक है, जब रिपोर्ट बनाते हैं ना तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर वैल्यूज देना पड़ता है, तो पिछले साल मेरे लिए लागू नहीं था, तो पिछला साल का रिकॉर्ड्स मेरे को लिखना है कि नहीं लिखना है? सो कंपनीज दैट गेट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑडिटेड प्रीवियस ईयर फिगर्स इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। ऑल अदर कंपनीज हु वेयर कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑडिट prior to 1st April 2014 would be required to provide previous year figures irrespective of the year in which company's cost audit report rules, cost records and audit rules 2014 became applicable to the company. पहले से लागू था अगर तो है, अगर first time लागू हुआ है तो नहीं report करना है। तो answer is not required if it is first time, but पुराना law अगर लागू था, पुराना rules लागू था, उसके कारण आपका पहले कॉस्ट ऑडिट हो रहा था 2014 के पहले, तो भी आपको प्रीवियस ईयर का भरना पड़ेगा। यहां पे आ जाओ वापस, ये भी नया है। डज गवर्नमेंट अलाउ रीफाइलिंग ऑफ रिवाइज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ एनी एरर्स इन द ओरिजिनल फाइलिंग? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन केस एनी मिस्टेक इज डिटेक्टेड सब्सिक्वेंट टू फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट। कंपनी कैन फाइल another report by making payment as per fees specified in company's rules 2014. The revised cost audit report would be considered as the correct report and earlier filings would not be considered. The date of revised filing would be considered as a date of filing of cost audit report. मतलब आप revise नहीं कर सकते, cannot revise, but can file a new report. You cannot revise, but you can file a new report. तो new report का filing date ही आपका
और फाइलिंग डेट मान लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा था ना। तो इसके साथ क्वेश्चन सारे खत्म हुए। ओके, तो मैं एक समरी लिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या FAQs नया मैट से पढ़ना है, इंस्टीट्यूट का नया मैट से। हम इसका आपको एक शॉर्ट सप्लीमेंट बना के दे देंगे। ठीक है गाइस, आप घबराइएगा नहीं। क्या क्या काटा है उसका लिस्ट नहीं बना रहे, वो तो आपको मार्क करा दिया, बट क्या क्या नया जुड़ा है उसका लिस्ट बना दे रहे। FAQs टू बी स्टडीड फ्रॉम न्यू इंस्टीट्यूट मैट। अगर आपके पास न्यू इंस्टीट्यूट मैट नहीं है तो आपके लिए लागू है, और नया इंस्टीट्यूट मैट है तो आपके लिए बात लागू ही नहीं है। हाँ, पुराने स्टूडेंट हैं, पुराना मैट है, तो हमारे तरफ से आपको एक पेज का, दो पेज का, जो भी जो जो नया नया क्वेश्चंस हैं उसका आपको अलग से एक सप्लीमेंट प्रोवाइड कर देंगे। सप्लीमेंट आपका SGC वेबसाइट डैशबोर्ड में मिल जाएगा, सप्लीमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन 16 17, फिर क्वेश्चन नंबर 28 29, 28 29, क्वेश्चन 31 से 33, क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 45 से 50। ठीक है, 2 2 3 1 6, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो मैंने कटवा दिया है वो तो ठीक है, मेरे को नहीं लगता उसको काट के पढ़ के जाना चाहिए। वो कुछ कुछ इरेलीवेंट सा था, वो आपको पता है, उसको छोड़ देना अगर एकदम इरेलीवेंट ही था तो। बाकी ये सब को भी आप अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। जो जो मैंने Volume 2 का चीज़ें जो अभी आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको बता के रख दिया ना, आपका काम हो गया कि ये सब पढ़ना है, तो जब Volume 2 का होगा तो वहाँ पर जाके पढ़ लेना। हुआ, तो इसके साथ फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या नाम था चैप्टर का, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स में जो जो नया था वो हमने आपके साथ कवर कर दिया। ठीक है, मिलते रहेंगे, है ना, बने रहिए हमारे साथ।